नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे 12 कक्षा के अध्याय 3 का, जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन, यानी मनुष्य अपने ही जैसे जीवों की संतति उत्पन्न करने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की सहायता से अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं और अपनी संतति को मेंटेन में रखते हैं, जिसको कि हम लोग मानव जनन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि री माने होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्मित करना, यानी फिर से निर्मित करना, यानी अपने ही जैसे जीव को फिर से निर्मित करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो इसे दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मनुष्य में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेड़ पौधे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ पुष्पी प्लांट फ्लावर्स है उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर मानव जनन जानना है, तो मानव जनन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। और जब हम लोग लैंगिक प्रजनन को अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि लैंगिक प्रजनन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। नर युग्मक का मतलब होता है कि वैसा युग्मक जिसका निर्माण नर यानी पुरुष के माध्यम से होता है, उसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, जैसे कि स्पर्म यानी शुक्राणु। मादा युग्मक का मतलब होता है कि वैसा युग्मक जिसका निर्माण मादा यानी स्त्री के माध्यम से होता है, उसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, जैसे कि अंडाणु, अंड या ओवा। तो चलिए हम अगर हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को मिलाते हैं या उसका संलयन होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो इससे बनता है युग्मनज, जिसको कि हम लोग भ्रूण बोलते हैं, और यह इसी से जो है नई संतति की उत्पन्न होती है। यानी नर युग्मक का स्पर्म और मादा युग्मक का ओवा जब आपस में फर्टिलाइजेशन करता है, इससे जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है और नई संतति का निर्माण होता है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लैंगिक प्रजनन की विधि होती है, ये होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। आप सोच रहे हो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? होता क्या कि जैसे कि नर युग्मक में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मादा युग्मक में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है कि इसका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी 23 क्रोमोसोम इसका हो गया और 23 क्रोमोसोम इसका हो गया, यानी दोनों हाफा बट गया। यानी जो युग्मनज बनेगा इसमें नर युग्मक का 23 क्रोमोसोम रहेगा और जो मादा जो युग्मक है इसका भी 23 क्रोमोसोम होगा। तो जो नई संतति उत्पन्न होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें फिर से क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग लैंगिक प्रजनन की विधि को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। यानी लैंगिक प्रजनन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इसको तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा होता है निषेचन, जिसको कि बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं, निषेचन का मतलब समझते हैं कि नर युग्मक यानी स्पर्म, मादा युग्मक यानी ओवा, जब दोनों आपस में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले की जो घटना होती है, यानी फर्टिलाइजेशन से जो पहले की घटना होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन पूर्व की घटना, जिसमें कि नर युग्मक से स्पर्म बनता है और मादा युग्मक से ओवा बनता है। तो यानी निषेचन से पहले की घटना को बोलेंगे निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन से बाद की जो घटना होगी, अब इसमें बाद में क्या होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा तो भ्रूण बनेगा, और यह भ्रूण क्या होगा कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो है डेवलप करता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, यानी जन्म भ्रूणावस्था से लेकर के एक बेबी तैयार होने तक की जो अवस्था होती है, जिसको कि हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं।
तो चलिए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से निषेचन पूर्व घटना, यानी एक एक करके हम लगते हैं। और लैंगिक जनन को अच्छी तरह से समझने के लिए जो पहला भाग है निषेचन पूर्व घटना, इसको हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता है कि निषेचन पूर्व घटना क्या है, मैंने पहले ही बताया कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रक्रिया होती है जिसमें स्पर्म भी बनता है और ओवा भी बनता है, वो जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग निषेचन पूर्व की घटनाएं कहते हैं। निषेचन पूर्व की घटना को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। फिर से ध्यान से देखिए कि निषेचन पूर्व घटना को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन का मतलब होता है कि जहां पर युग्मक का निर्माण होता है, चाहे उसमें स्पर्म का निर्माण हो चाहे फिर ओवा का निर्माण हो, यानी जहां पर युग्मक का निर्माण होता है उसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन को भी फिर से हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला होता है शुक्राणु जनन जिसको कि हम लोग नर युग्मक भी कह सकते हैं, जिससे बनता क्या है स्पर्म बनता है, यानी युग्मक जनन। यानी इसमें तो हम आपको बता दें युग्मक जनन का मतलब जिसमें मेल भी हो गया फीमेल भी हो गया। तो इसको दो भाग में बांटते हैं, पहला जो होता है वो शुक्राणु जनन होता है। शुक्राणु जनन को हम लोग नर युग्मक भी कहते हैं और इससे क्या बनता है स्पर्म बनता है। और दूसरा होता है अंडाणु जनन जिसको कि हम लोग मादा युग्मक कहते हैं या फिर इसको अंड कोशिका भी कह सकते हैं और इससे हम लोग का क्या बनता है ओवा बनता है। इससे क्या बनता है ओवा बनता है। तो चलिए अब फिर हम लोग यहां तक समझ गए, अब फिर हम लोग यहां से शुरू करते हैं यानी शुक्राणु से शुरू करते हैं, यानी अब इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं कि शुक्राणु जो है वो कहां पर बनता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं शुक्राणु, यानी शुक्राणु जो है इसका निर्माण होता है नर जनन अंग में यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और इसका एक और भाग होगा जिसको बोलते हैं ओवा यानी अंडाणु, उसका निर्माण होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं शुक्राणु के बारे में यानी स्पर्म के बारे में, जिसका निर्माण होगा नर जनन अंग में यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में। दोस्तों ये जो नर जनन अंग होता है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक या उसको सहायक भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। यानी प्राथमिक लैंगिक अंग जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है द्वितीयक यानी सहायक लैंगिक अंग जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग का मुख्य काम होता है युग्मकों का निर्माण करना। अगर कोई पूछे कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करता है तो प्राथमिक लैंगिक अंग का मुख्य काम है युग्मकों का निर्माण करना। और युग्मक का निर्माण कहाँ होगा वृषण में, युग्मक का निर्माण होगा वृषण में। वही दूसरे तरफ अगर हम द्वितीयक यानी सहायक लैंगिक अंग की बात करेंगे तो इसका काम क्या है युग्मकों का ट्रांसफर करना। जैसे कि वृषण में जो युग्मक बनेगा, जैसे मान लीजिए शुक्राणु वृषण में बनेगा तो उसको क्या करेगा कि नली के माध्यम से अलग अलग स्थान पर उसको पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग का होता है। यानी नाम से पता चलता है सहायक यानी प्राथमिक लैंगिक अंग में जो युग्मक तैयार होगा उसको क्या करना है एक जगह से दूसरे जगह तक उसको पहुंचाना है। ये किसका काम है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग का। ये द्वितीयक या सहायक जो लैंगिक अंग होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं सहायक नलिका, चूंकि यहाँ पर जगह नहीं था देख लीजिए, ये जो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है सहायक नलिका, पहला क्या होता है सहायक नलिका और दूसरा होता है सहायक ग्रंथि। इसको ध्यान से याद रखना है कि द्वितीयक लैंगिक अंग जो होता है उसको भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, पहला होता है सहायक नलिका और दूसरा होता है सहायक ग्रंथि। सहायक नलिका के अंतर्गत आएगा रेड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, जबकि सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आता है शुक्राशय, प्रोस्टेट इत्यादि। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके अध्ययन करेंगे, यानी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं वृषण के बारे में। हमारे मनुष्य के शरीर में
एक जोड़ी ब्रीसन पाया जाता है, यानी मनुष्य के उदर के नीचे एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें कि दो अंडे जैसी आकृति होती है, जो दो अंडे जैसे आकृति होती है जिसको कि हम लोग ब्रीसन कहते हैं। और यह जो ब्रीसन होता है ना, ये ब्रीसन कोष से ढका होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आवरण से ढका हुआ जिसको हम लोग ब्रीसन कोष कहते हैं, ढका होता है। यानी मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी ब्रीसन पाया जाता है, ये अंडा नुमा जो है संरचना की तरह दिखता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, यानी ये जो ब्रीसन होता है इसका जो टेम्परेचर होता है, ये शरीर के टेम्परेचर से इसका तापमान जो है 2 या 3 डिग्री कम होता है। यानी शरीर का जितना टेम्परेचर होगा उससे 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके अंदर कम होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि युग्मक जनन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होना आवश्यक है। यदि अधिक टेम्परेचर होगा तो वहां पर युग्मक का निर्माण नहीं हो पाएगा। अतः युग्मक जनन को सही करने के लिए क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। चलिए फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ब्रीसन है, इस ब्रीसन में लगभग 250 कंपार्टमेंट होता है। यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4 कंपार्टमेंट बनाए हैं, लेकिन इस तरह का जो है ना लगभग 250 कंपार्ट होता है। यानी एक ब्रीसन के अंदर लगभग 250 कंपार्ट होता है। उसमें जो एक भाग होता है, जो एक कंपार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विष्टीय पिंड। ध्यान देना है कि जो ब्रीसन इसके अंदर 250 कंपार्ट होता है उसमें से एक जो कंपार्ट होता है, एक यहाँ पर देख रहे हैं ये एक कंपार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं विष्टीय पिंड। इसके अंदर जो होता है एक नली नुमा संरचनाएं होती है, यहाँ पर देख रहे हैं एक नली नुमा संरचनाएं होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन नली का। इसके अंदर में एक नली नुमा संरचना होती है, जो 250 कंपार्ट होता है इसके अंदर में एक नली नुमा संरचना होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं शुक्र नली का। और इसके बाहर जो है छोटा छोटा कोशिका पाया जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। यानी इसके जो बाहर जो होता है, यानी ये जो विष्टीय शुक्र जनन नलिका है इसके बाद भी एक छोटी छोटी कोशिका होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। ये अंतराली कोशिका जो है ये नर हार्मोन उत्पन्न करता है, यानी जो नर में हार्मोन जो उत्पन्न होता है वो नर हार्मोन किससे उत्पन्न होता है, अंतराली कोशिका से उत्पन्न होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इस नर हार्मोन का नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। इस नर हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। यानी ये जो कंपार्टमेंट के अंदर में जो छोटी छोटी कोशिका है जिसको हम लोग अंतराली कोशिका कहते हैं, ये हमारा नर हार्मोन रिलीज करता है। इस नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये नर हार्मोन है। अब अगर हम लोग फिर से इस ये अंदर वाला अगर इस कुंडली की बात करते हैं, जो नली नुमा संरचना है इसको हम लोग पार्श्व भाग से काटते हैं। जैसे मान ली हमारे पास में ये स्केच है, अगर इसको बीच से हम लोग काटते हैं तो क्या होगा, एक गोलाकार संरचना आएगी जहां पर ये बोर्ड पर दिख रहा है। यानी इसके अंदर में जो शुक्र जनन नलिका था इसको हमने क्या किया, काटा। तो काटने के बाद क्या पता चला कि इसके अंदर भी दो कोशिकाएं होती है, जिसके लिए हमने क्या किया, एक गोल कोशिका चिन्हित किया, एक प्लस का चिन्ह दिया। तो ये जो गोल वाला जो कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, शुक्र जनन कोशिका। इसका काम है नर युग्मक का निर्माण करना, यानी नर के अंदर में जो स्पर्म बनता है उसका वो क्या करता है, निर्माण करता है। यानी आपने क्या सीखा कि ये जो शुक्र जनन नलिका है, ये जो शुक्र जनन नलिका है इसके अगर हम लोग पृष्ठीय भाग में काटते हैं तो इसके जो है अंदर जो है दो कोशिकाएं होती है। एक जो पहला जो कोशिका है इसको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका। इसका काम क्या है कि नर युग्मक का निर्माण करना, इसका काम क्या है, नर युग्मक का निर्माण करना। दूसरा जो कोशिका हमने ये प्लस के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनोजी कोशिका। इसका काम है कि नर युग्मक को पोषण प्रदान करना, इसका काम क्या है, नर युग्मक को पोषण प्रदान करना। चलिए फिर हम लोग इसके आगे अध्ययन करते हैं। ये जो ब्रीसन था इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के में रखते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो सहायक नलिका है, यानी अब हम लोग शुरू करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीयक जो होता है जिसको सहायक भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग फिर कितने भाग में बांटते थे, दो भाग में बांटते थे। यानी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते थे।
एक हम लोग बांटे थे सहायक नलिका और दूसरा था सहायक ग्रंथि। यानी से पहले हम लोग ब्रीसन पढ़े, ब्रीसन क्या था, ब्रीसन था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और इसके अंतर्गत इसको भी कितने भाग में बांटे हैं, दो भाग में बांटे, एक सहायक नलिका और दूसरा सहायक ग्रंथि। तो अब लोग हम लोग समझेंगे पहले सहायक नलिका को अच्छी तरह से, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो हम लोग देख रहे थे कि ब्रीसन के अंदर में ये जो 250 कंपार्टमेंट था, हमने इसे पहले भी बताया है, इसके अंदर में क्या होता है कि एक नली होता है, एक क्या है इसके अंदर में, ये नली नुमा संरचना होती है। जब ये नली नुमा जो संरचना होती है ये जब बाहर निकलता है, ये जो नली नुमा संरचना आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 इसमें, अगर ये संरचना अगर बाहर निकलती है, यही नली क्या होता है, बाहर निकलता है। आपको पता है कि इसके अंदर में जो है क्या होता था, युग्मक का निर्माण हो रहा था, यानी ये जो नली है इसके अंदर में युग्मक का निर्माण होता था और उसके अंदर में उसको पोषण भी मिल जाता था। आगे मैंने बताया ये जो नली है इसके अंदर जो है स्पर्म का निर्माण भी हुआ और इसके अंदर में क्या हुआ, उसको पोषण भी मिल गया। यही नली क्या होता है जब बाहर निकलता है, इससे जब ये नली क्या होता है बाहर निकलता है, जब जो ही यह नली इससे बाहर निकलता है, ये कंपार्ट से बाहर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट टेस्टिस। यानी ये नली जब बाहर निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस। यही नली जब आगे जाकर के जहां पर खुलती है, यही नली जब आगे बढ़ती है और जहां पर जाकर के आगे बढ़ती है, तो इस स्थान को हम लोग बोलते हैं शुक्र वाहिका। इस स्थान को क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिका। और इसके आगे जब नली जाती है तो इसी को बोलते हैं अधिब्रीसन, इसको क्या बोलते हैं, अधिब्रीसन बोलते हैं। और ये नली जब पुनः जब आगे जाती है इसको बोलते हैं हम लोग शुक्र वाहिनी। यानी यहाँ पर जो ये जो नली में बना था युग्मक, ये युग्मक डेवलप हुआ और इस युग्मक को क्या करता है, ट्रांसफर कर रहा है। आपको पहले ही बता दिए कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है उसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है उसमें युग्मक का निर्माण होता है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन होता है इस युग्मक को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो ये नली जब पहले जब बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं रेट टेस्टिस, आगे जब जाती है तो शुक्र वाहिका, उससे आगे जाती है तो अधिविषण, और उसके आगे जाता है तो वो शुक्र वाहिनी कहा जाता है। और ये सभी होता है क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन का पहला भाग है जिसका नाम है सहायक नलिका। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन का जो दूसरा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सहायक ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथि। इसके अंतर्गत शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट आता है। अगर हम लोग शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय जो होता है एक तरल पदार्थ होता है। शुक्राशय क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग होता है, जो स्पर्म होता है उसका अधिकांश भाग शुक्राशय से ही निर्मित होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें प्रोक्टोज पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडेंस पाया जाता है, ये सब इसमें पाया जाता है। और दूसरा जो होता है प्रोस्टेट, ये एक दूधीय क्षारीय पदार्थ होता है। प्रोस्टेट जो होता है एक दूधीय क्षारीय पदार्थ होता है, ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि स्पर्म जो है वहां पर काम करता है। अगर ये नहीं रहे, प्रोस्टेट नहीं रहे, तो स्पर्म जो है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये इसका क्या काम है, ये दूधीय क्षारीय पदार्थ है, ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है, निष्प्रभावी कर देता है। तो ये हम लोगों का हो गया पहले पार्ट का वीडियो। अब हम लोग जब अगला पार्ट इस चैप्टर का बनाएंगे तो उसमें हम लोग फिर से शुरू करेंगे, जैसे कि ये नर युग्मक हो गया। अब हम जब आगे जब वीडियो बनाएंगे उसमें मादा युग्मक के बारे में जानेंगे, यानी अभी स्पर्म के बारे में जाने, आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ओभा के बारे में जानेंगे। आप लोगों को जो है क्या करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग फिर से अपडेट करेंगे तो उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।